नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल राठौड़ आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उपसर्ग का भाग नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं और उपसर्ग का भाग 1 जिसमें उपसर्ग की भूमिका और किस तरीके से उपसर्ग से संबंधित रीट आरपीएससी और सीटेट या फिर यूपीएससी या यूपीटेट एचटेट जहाँ भी हिंदी व्याकरण लगती है राजस्थान पुलिस एसआई सभी में ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात मैंने की थी। और दूसरे जो वीडियो था उसमें मैंने बात की थी उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्गों की मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी और उसी ट्रिक से मैं वापिस शुरू कर रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या थी, वो एक बार फिर से मैं उसी ट्रिक को दोबारा से लिख रहा हूँ। बहुत ही बेहद ही शानदार ट्रिक है ये, अगर आपके ये ट्रिक याद रहती है तो आपको बारी बारी से 22 उपसर्ग है वो याद नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी ट्रिक ये थी, संस्कृत में 22 नंबरों से पानु दसवीं में फेल हो गई। इस प्रकार की ये ट्रिक थी, फेल हो पास हो इससे हमें कोई मतलब नहीं था, हमें तो याद करने थे संस्कृत के 22 उपसर्ग। हमने संस्कृत क्यों लिखा, क्योंकि हम संस्कृत के उपसर्गों की बात कर रहे हैं और उनकी संख्या 22 होती है और आपका जो ये सूत्र है पानु दसवीं जो अंग्रेजी में अल्फाबेट में नाम लिखे गए हैं उनसे हम अपने जो 22 उपसर्ग हैं वो लास्ट क्लास में मैंने बनाए भी थे, फटाफट मैं बना देता हूँ। पी से 4 होंगे, ए से 7 होंगे और डबल ए को मिलाने से 1 हो जाएगा, एन से 3 हो जाएंगे, यू से 2, डी से 2 और सूस आपके एस से 2 और आपकी जो लास्ट वी है उससे 1 बनेगा। कुल मिलाकर जब इनकी बात करते हैं तो ये 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं। सूत्र आपको क्या याद रखना है, संस्कृत में 22 नंबरों से पानु दसवीं में फेल हो गई। पी से 4 याद रखना है, ए से 7 याद रखना है, डबल ए से आपको 1 याद रखना है, एन से 3, यू से 2, डी से 2, एस से 2 और 1। ये जो संख्या है 47, 13, 22, 21 संख्या कैसे याद रखें उसका भी हम तरीका देख लेते हैं। ये नाम लिखने के बाद में 47, 13, 22, 21 इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। हमारा पी से शुरू होने वाले जो 4 थे वो कौन थे, प्रा, परी, प्रति और प्र उपसर्ग। ये जो 4 उपसर्ग है वो पी से शुरू होने वाले हैं क्योंकि पी पे आगे नाम आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें ए से शुरू होने वाले अधि, अति, अभि, अपि, अनु, अव और अप, ये जो 7 उपसर्ग है वो ए से शुरू होते हैं, अधि, अति, अभि, अपि, अनु, अव, अप, ये जो उपसर्ग है वो आपके किससे शुरू होते हैं, ए से शुरू होते हैं। इस प्रकार से डबल ए को मिलाने से आ हो जाता है, इस प्रकार से आ से डबल ए से बनने वाला एक ही उपसर्ग है आपका आ। उसके बाद में हम बात करें एन से 3 होते हैं नी, निर और तीसरे की बात करूं मैं निश, जो तीनों ही नकारात्मक अर्थ देते हैं। इसके बाद में यू से शुरू होने वाले 2 उप उपसर्ग हो गया और उद उपसर्ग हो गया। उसके बाद में हम बात करें डी से 2 और डी से आपका होता है दुर और दुष उपसर्ग। इसके बाद में एस से 2 उपसर्ग बनते हैं सु और शम और आपका वी से 1 उपसर्ग बनता है वी उपसर्ग। नि से निर, नि, निस, दुर, दुष, उप, उद, सु, शम और वी। इस प्रकार से ये जो टोटल आपके सामने ये संख्याएं आ जाती है ये क्या है, आपकी 22 उपसर्ग हैं जो संस्कृत में होते हैं। ये कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं जो हम कहाँ पढ़ते हैं, संस्कृत के ही उपसर्ग होते हैं। रेट की बात करें तो ये नहीं पूछा जाता है कि ये हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है या विदेशी उपसर्ग है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये उपसर्ग है कौन सा, क्योंकि बहुत सारी अन्य परीक्षाएं होती है जिसमें ये पूछ लिया जाता है। अब देखिए हमने बात किया है कि जो आपके उपसर्ग है वो 2 रूपों में प्रचलित होते हैं, एक तो होता है संधि युक्त और एक होता है संधि रहित। अभी इस सूत्र को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इनसे बनने वाले शब्दों की मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पी से कितने बनते हैं, 4,
और चार कौन कौन से हैं उसकी बात मैं करूं तो सबसे पहले की बात करें हम प्रत्युपशर्ग, जिसका मतलब निकलता है विपरीत, उल्टा। प्रतीकार्थ क्या निकलता है? विपरीत या फिर उल्टा। यहाँ पर हम इनसे बनने वाले जितने भी शब्द हैं संधि युक्त और संधि रहित वो बनाने बनाएंगे, लगभग चार चार पांच पांच उदाहरण हम लेंगे। प्रत्यक्ष, प्रत्यय, प्रतिकूल और प्रत्याशा। ये जो है आपके प्रत्युपसर्ग से है, आपको जो तीन उदाहरण दिए गए हैं वो संधि युक्त है और आपका एक उदाहरण है वो संधि रहित है। टी का मतलब उल्टा, विपरीत, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, शब्दांश होते हैं। एक तरीके से ये चार आपके इससे संबंधित बनते हैं। दूसरा उपसर्ग है आपका, चार उपसर्गों को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, पर्य उपसर्ग, फिर आपका परा उपसर्ग, और चार नंबर पर हम बात करें आपकी परि उपसर्ग की। पर्य उपसर्ग है जिसका मतलब दूसरा होता है, और इससे बनने वाले शब्द जैसे प्रारंभ, संधि युक्त है ये, प्रदेश, प्रदेश हो गया, और आपका प्रारंभ हो गया, प्रहार हो गया। इस प्रकार से ये जो शब्द बनते हैं ये आपका संधि युक्त है, और आपकी ये दो दोनों शब्द हैं वो संधि रहित है। जैसे बात करें प्रमाण, और जैसे बात करें हम प्रसारण, ये जो शब्द है वो प्रय उपसर्ग के लगने से बनते हैं। प्रय, प्रारंभ, प्रदेश, प्रहार, प्रमाण और प्रसारण, जो प्रय उपसर्ग जो संस्कृत के उससे बनते हैं। इसके बाद करें प्रा, जिसका मतलब विपरीत निकलता है, उल्टा अर्थ हो जाता है इसका। जैसे जय शब्द है उसमें हम प्रा जोड़ दें तो प्राज्य हो जाता है। जैसे प्राकाष्ठा, उसके साथ साथ हम बात करें प्रभाव, ठीक है। इस प्रकार से ये जो तीन उपसर्ग हैं, जो तीन आपके ये जो शब्द हैं वो प्राउपसर्ग से बनते हैं। और इस प्रकार से अगला जो आपका है परी, जिसका मतलब क्या होता है? चारों ओर। परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और इससे बनने वाला शब्द जैसे पर्यावरण, संधि युक्त है, परीक्षा, संधि युक्त है, परिवीक्षण, परीक्षण हो जाएगा इसका। और हम बात करें तो जैसे प्रियंक हो जाएगा इसे, प्रियंग। इस प्रकार से ये जो चार जो आपके पी से शुरू होने वाले उपसर्ग है उसकी बात हमने की है। पी से बनने वाले चार उपसर्ग, प्र जो प्रति होता है, प्र होता है, प्रा होता है, प्री होता है, और उनसे बनने वाले शब्द हमने यहाँ पर बात किया है, जो संधि युक्त होते हैं और संधि रहित भी होते हैं, उनकी बात हम कर रही है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो दूसरा प्रकार आता है वो होता है ए फोर सेवन, ए से बनने वाले सात उपसर्ग, जिसके पहले की बात मैं करूं यहाँ पर जैसे अधि, दूसरे की बात करूं मैं अभी, तीसरे की बात करूं मैं अति, चौथे की बात करूं मैं अपि, पांचवें की बात करूं मैं अनुपसर्ग, छठे की बात करूं मैं अव, और सातवें की बात करूं मैं अपउपसर्ग। जितने भी अभी हमारे सामने उदाहरण आ रहे हैं उनको मैं लेते जाऊंगा। ए से बनने वाले जो सात उपसर्ग हैं उनकी बात कर रहा हूं, आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए इनसे बनने वाले शब्द, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी तो इससे बनता है शब्द अध्यक्ष, अधिकार, अध्यादेश, संधि युक्त और संधि रहित। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हम बनाते जाएंगे, लेकिन हमें मुख्य मुख्य उदाहरणों को हमें यहाँ पर लेना है। जैसे अभी उपसर्ग है, जैसे बात करें अभिशार, अभ्युदय, अभ्यर्थना आदि जो उदाहरण है वो अभी उपसर्ग, जिसका मतलब होता है सामने या फिर निकट, और अधि का मतलब विपरीत अर्थ भी आता है, और उसका अर्थ सामने भी आता है, और प्रमुख भी इसका अर्थ होता है, विशिष्ट या प्रमुख इसका अर्थ हो जाता है। अति का मतलब जो आपके सामने है, अतीत, संधि युक्त हो जाएगा, अतीव, अतिशीघ्र,
ठीक है। जैसे और एक उदाहरण की बात करें अत्यंत, तो ये अति उपसर्ग लगने से ये उदाहरण आपके सामने बन जाते हैं। अति उपसर्ग से अतीत, अतीव, अतिशीघ्र, अत्यंत। अति उपसर्ग जिसका मतलब होता है भी, इससे ज्यादा कुछ उदाहरण आपके सामने नहीं होते हैं। अपितु, अपिहित, दो उदाहरणों से हम अपि उपसर्ग लगाते हैं और कुछ शब्द बनाते हैं। अनुपसर्ग जिसका मतलब क्या होता है, पीछे होता है, और इससे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। संधि युक्त, अन्वय, अनुसार, अन्वंग, और हम बात करें अनुगामी, अनुकरण, अनुसरण आदि जो शब्द है वो अनुपसर्ग लगने से बनते हैं। और अनुपसर्ग जिसका मतलब क्या होता है, पीछा, पीछे होता है। इसका अर्थ अव और अप दोनों का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। उससे बनने वाले शब्द जैसे अवगुण, अवसर, अवहित और अपमान, अपकार, अपशिष्ट आदि जो शब्द है वो आपके किस से बनते हैं, अप उपसर्ग से मिलकर बनते हैं। ए से बनने वाले सात थे, अधि, अभि, अति, अपि, अनु, अव, अप, ये सात उपसर्ग है वो किस से बनते हैं, आपके ए से सात बनते हैं। इसके बाद में एक के बाद हमने डबल ए से बनाया एक, और जो होता है आपके सामने आ, जिसका मतलब होता है तक या फिर से, भी इसका अर्थ हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे आमरण, आकार, आचार, और जैसे बात करें आजीवन, आ उपसर्ग से कितने भी हम ऐसे शब्द बना सकते हैं जो आ उपसर्ग लगने से बनते हैं। हमें तो केवल ये देखना था कि ये आ उपसर्ग है वो कौन सा है, वो संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है तक, मरण तक, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि पा आ तक आ गया, और उसके बाद में आता है आपका एन, एन से बनते हैं तीन। कौन कौन से तीन, पहले नीर लेते हैं, फिर आपको नी से परिचित करवाता हूँ, फिर हम परिचित होते हैं निश्चय। तीनों ही जो अर्थ देते हैं, जो तीनों उपसर्ग है वो आपका कौन सा अर्थ देते हैं, नकारात्मक अर्थ देते हैं, नहीं वाला भाव आपके सामने होता है। ने, निर, निश बनने वाले शब्द जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे नीरस, निर्देश, नीरव और निरोग, निरंद्र आदि जो शब्द है वो निर उपसर्ग लगने से बना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन आपको इस नीरज शब्द का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जो नीरस है, नीरव है, निरंद्र है और नीरव, नीरज, चारों को देखेंगे तो एक जैसी कंडीशन लग रही है। यहाँ पर इनमें तो निर उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन नीरज है उसमें निर उपसर्ग नहीं है। वो नीर आपका मूल शब्द है और जय आपका प्रत्यय है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। परीक्षा की दृष्टि से ये वाला शब्द है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीरज में निर उपसर्ग नहीं होता है, न ही निर उपसर्ग होता है, न ही निर उपसर्ग होता है। इसके साथ नी, नियम, नियोग, निविधा, नियोग, नियम, निडर, नीलाम, सॉरी नीलाम इसमें नहीं आएगा, निरोध। ये वाला जो आपके उपसर्ग है वो नि उपसर्ग से बनता है, लेकिन ये जो मूल अर्थ जब देते हैं तो वो अपना नकारात्मक अर्थ देते हैं, लेकिन संधि के बाद में उनके अर्थ में कुछ में तो परिवर्तन आ जाता है और कुछ में विशेषता आ जाती है। उसके बाद में निश उपसर्ग जो नकारात्मक अर्थ देता है उसकी बात हम करें, और संधि के अकॉर्डिंग ये जो स है आपका अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाता है, निश्चित, निष्कलंक, निष्ठुर, तीनों सह के हमने एक एक उदाहरण ले लिए हैं। निश्चित, निष्कलंक, निष्ठुर, क्योंकि इस चय के साथ ये सह होता है, इस कह के पास सह नहीं होता, लेकिन इस एक के पास ये सह होता है और इस ठह के पास ये सह होता है। इस कारण से जब हम संधि करते हैं उनकी,
से जो आपका तालव्य, जो आपका दंत्य से है वो तालव्य में, मूर्धन्य में और इन सब में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो आपके एन से शुरू होने वाले जो तीन उपसर्ग हैं, इस प्रकार से हमने चार, तीन, सात, सात, 11 और 12, 13, 14, 15 अब तक कर लिए। सात उपसर्ग और हमारे, रिपीट कर रहा हूँ, पी से चार होते हैं प्रति, प्र, प्रापरी। पी से चार प्रति, प्र, प्रापरी। डबल ए से एक ही बनता है आ, और एन से बनते हैं तीन, निर, नि, निश, और ए से बनते हैं सात, अधि, अभि, अति, अपि, अनु, अव और अप, ये वाले जो उपसर्ग हैं। इसके बाद में हम कुछ और उपसर्ग, जो सात उपसर्ग बच गए हैं, उनको मैं लेता हूँ हमारे इस सेशन में। अगला जो आपका बच जाता है वो है यु, और यु से बनते हैं दो। सबसे पहला आता है आपका उप और दूसरा आपका आता है उद। क्योंकि हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में हमेशा ही उद होता है। जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो संस्कृत हम उसमें कहते हैं कि संस्कृत में अगर हमें करना है तो उसका हम उद करेंगे, और हिंदी में जब पढ़ते हैं तो उसका हम क्या करेंगे, उत कर देते हैं। जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो आपका उत उपसर्ग नहीं होता है, उदी उपसर्ग होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इससे बनने वाले शब्द उप का मतलब होता है दूसरा या फिर अन्य। जैसे आपका उपसर्ग जो हम आज का प्रकरण पढ़ रहे हैं वो उपसर्ग उप धातु उससे बना है, उप सरपंच, उपनाम, उपांग आदि जो शब्द है वो उप उपसर्ग लगने से बने हैं। उद उपसर्ग जिसका मतलब होता है मुख्य, श्रेष्ठ या ऊपर, इनका अर्थ होता है जैसे हम बात करें उत्कर्ष, उज्जवल, और हम बात करें जैसे उल्लास और उन्नति आदि शब्दों में उद उपसर्ग लगाया गया है। उत्कर्ष है, उज्जवल है, उल्लास है, उन्नति है, बहुत सारे ऐसे जो हम उत और उद जो संधि पढ़ते हैं उस संधियों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये शब्द शुद्धि में बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। जो उज्जवल है उसमें उद उपसर्ग आपका लगा हुआ है। तो ये दो प्रकार के जो आपके यू से बनने वाले जो शब्दांश हैं। इसके बाद में हम बात करें, यू के बाद में आता है आपका डी, और डी से बनने वाले दो हैं, और कौन कौन से दो हैं, एक तो आपका दुर उपसर्ग है और आपका दूसरा है दुष उपसर्ग है। दोनों ही नकारात्मक अर्थ देते हैं, दोनों ही अर्थ देते हैं, दुर की बात करें या चाहे दुष की बात करें, दोनों अर्थ देते हैं बुरा का। दोनों अर्थ किसका देते हैं, बुरा का। जैसे इसे शब्द बन जाएगा आपका दुर्गति, दुर्बल, और जैसे बात करें हम दुर्विकार। जिस प्रकार से निश में हमने सह को तीनों रूपों में बदला था, ये सह वैसे ही बदलता जाएगा, जैसे दुश्चिंता हो जाएगा, जैसे दुष्कलंक, दुष्कर्म, और जैसे दुस्साहस आदि। ये जो है आपका तंत्य सह वो ताल्व्य में, मूर्धन्य में, मूर्धन्य में, और फिर वापस दंत्य स में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। डी से बनने वाले आपके दो ही उपसर्ग हैं। उसके बाद में आपका जो बच जाता है एस, और एस से दो उपसर्ग बनते हैं। सबसे पहला उपसर्ग आता है आपका सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, और द आपका सम उपसर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है, समान। सम उपसर्ग हिंदी में होता है वो बगैर हलंत वाला आता है, क्योंकि मै उसमें पूरा आता है, और संस्कृत में हल जो आपका लास्ट में है वो स्वर रहित आता है। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आपको याद रखना है। सु का मतलब अच्छा, जैसे सुअवसर, सुपुत्र, जैसे स्वागत शब्द की हम बात करें, स्वच्छ की हम बात करें, सु प्लस में अच्छा, स्वल्प बात करें हम, तो इन सब में क्या हो जाता है, आपका सु उपसर्ग हो जाता है। इसके बाद में हम सम उपसर्ग की अगर बात करें, जिसका मतलब होता है सम्मान, और संधि सहित सभी उपसर्गों की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे संसार, संकल्प,
जैसे बात करें हम संस्कृत खुद वाला शब्द है, उसमें सम उपसर्ग और कृत धातु है, सह का आगम होता है। उसके बाद में हम बात करें आपका जो सन्यासी शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, सम प्लस में न्यासी और आपका ये उपसर्ग हो जाता है, क्योंकि इधर 5 के 22 उपसर्गों में आपका लास्ट जो वी से एक बनता है, एक जो वी उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, विशेष होता है। इनसे बनने वाले शब्द संस्कृत संधि रहित और संधि सही, जैसे विजय, विनम्र, विनय, विशेषता जो विशेषण बनता है, व्याकरण, वीक्षक, वीक्षण, व्यय, व्यग्र आदि बहुत सारे शब्द हैं जो वी उपसर्ग से ही बने हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, विशेष होता है। मैं आशा करता हूं कि जो आपके संस्कृत की जो ट्रिक है आपको पानू 10वीं में 22 नंबरों से पास होगी, बिल्कुल याद हो गई होगी। पी से 4 बनाया हमने, ए से 7 बनाया है, डबल ए से हमने 1 बनाया है, एन से 3, यू से 2, डी से 2, एस से 2 और वी से आपको 1। यानी पानू 10वीं 47 13 22 21 ये याद रख लोगे तो आपको 22 याद हो जाएंगे, गारंटी देता हूँ मैं। अगर आप उसकी जिज्ञासा के सहित आपने पढ़कर अनुकरण करके अभ्यास करते हो तो आप बिल्कुल सीख पाओगे इस बात को। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे मैंने ये संस्कृत के उपसर्ग को याद करवाने के लिए जो ट्रिक काम में ली है, ऐसी ही एक और ट्रिक्स हैं जो हिंदी के उपसर्गों के लिए मैं काम लूँगा और आपको याद करवाऊँगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल पर अपना अनंत सहयोग, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखें। ये YouTube जल्दी से चलता रहे, जैसे जैसे आपका सहयोग बनता जाएगा इस YouTube चैनल के माध्यम से और भी क्लासें होती जाएगी। तो ये जो सेशन है आज का हमारा यहीं तक है, कल हम वापस इसका अगला भाग हिंदी के अक्षर पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।